जयपुर महाखेल को पीएम मोदी ने वीसी के जरिए किया संबोधित, कहा राजस्थान ने देश को दी खेल प्रतिभाएं, खेल में बेटियों की भागीदारी सुखद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन, दुबई के अस्पताल में लिया आखिरी सांस। पाकिस्तान के क्वेटा में जोरदार धमाका, पुलिस लाइन को बनाया निशाना। भारत का चाइनीज ऐप के खिलाफ बड़ा एक्शन, गृह मंत्रालय ने 138 चीनी सट्टेबाजी ऐप पर लगाया बैन। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का जयपुर दौरा, बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बजट की बातों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। सादुल शहर के मनीवाली में आर्मी के हॉट एयर बैलून की इमरजेंसी लैंडिंग, भटिंडा की तरफ जा रहा था आर्मी का एयर बैलून। G20 समिट की बैठक को लेकर तैयारियां तेज, ताजमहल की साफ सफाई का काम जोरों पर, बड़े पैमाने पर कराया जा रहा संरक्षण कार्य। गैंगस्टर दीपक मेनारिया की मां ने खाया विषाक्त पदार्थ, उदयपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप, लावारिस कार से 166 किलो डोडा चूरा बरामद किया। माघ पूर्णिमा पर उमड़े श्रद्धालु वाराणसी और प्रयागराज में, श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। बीकानेर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नापासर में लूट मामले में 3 ईरानी नागरिक गिरफ्तार, ड्रग और 10 लाख की विदेशी करेंसी जब्त। बांसवाड़ा में राज तालाब की जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्य का शुभारंभ मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने किया, इस अवसर पर सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी सहित पार्षद और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बाड़मेर जैसलमेर हाईवे पर एक बस और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत, हादसे में बस सवार करीब दर्जन भर लोग घायल। गोड्डा पुलिस ने नशीले पदार्थ के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, तस्करों से 10 किलो 576 ग्राम अफीम बरामद। कोटा से रूठियाई तक रेलवे लाइन दोहरीकरण काम, 99% पूरी, कोटा मंडल में बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार। नागौर के जायल में 2 दिन से गुमशुदा बुजुर्ग का मिला शव, पुत्र ने कराया खेत मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिरोही में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, नवजात बालिका को पालने में छोड़ निकली कलयुगी मां। श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। टोडा भीम में पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, कटारा अजीज गांव में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। टोडा भीम के बाल घाट में कन्हैया दंगल कार्यक्रम में हादसा हुआ, रेकड़ा चलाते समय अचानक विस्फोट से 2 युवक झुलसे। सूरतगढ़ में एयरटेल कंपनी के टावर में अचानक आग लग गई, अचानक टावर में आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। कोटा के महावीर नगर में रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप मचा, आग से रेस्टोरेंट का सामान जलकर खाक हो गया। सीकर के नीमका थाना में अज्ञात बदमाशों ने 2 स्टॉल को निशाना बनाया, स्टॉल में आग लगाकर हुए फरार। डूंगरपुर में तेज रफ्तार कार ने 4 युवकों को चपेट में लिया, हादसे में 1 युवक की मौत। झालावाड़ में प्रवासी पक्षियों ने डाला डेरा, विभिन्न जलाशयों में लगभग 150 तरह के विदेशी प्रवासी पक्षियों की अटखेलियों को देखा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में जिला अभिभाषक संघ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी सहित अन्य गणमान्य शामिल। जैसलमेर के सूर्यगढ़ में रॉयल वेडिंग, कियारा सिद्धार्थ की शादी के फंक्शन आज से शुरू। ऑस्ट्रेलियाई टीम को नागपुर टेस्ट शुरू होने से पहले ही लगा झटका, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड पहले टेस्ट से बाहर। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की सीरीज आर्या सीजन 3 का टीजर हुआ आउट, सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। पठान का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 11 दिन में 400 करोड़ का आंकड़ा किया पार।